नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूं आप सभी के बीच एक नए और ख़ास वीडियो को लेकर। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर मांस मछली मीट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि मांसाहार करना पाप है या पुण्य, खास तौर पर हिंदू धर्म में? आपके भी मन में कई बार सवाल तो उठे ही होंगे जब आप मांसाहारी भोजन का सेवन करते होंगे कि हम जो मांसाहारी कर रहे हैं वो सही है या गलत है, कहीं इसकी वजह से हमें आगे चलकर किसी पाप को तो नहीं भोगना पड़ेगा। तो चलिए आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे, और इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी जो हमारी पौराणिक कथा है। यह बात उन दिनों की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, उसी तरफ एक हिरण दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वो हिरण बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहाँ आ पहुँचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है, क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं हूँ कि यह जानूँ कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं। मांसाहार से तो एक तो वह जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा है, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जा रहा है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है, राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों ये मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा, मेरे इस छोटी सी कथा को सुनो, उसके बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप और तुम्हें मांस खाना है या फिर नहीं। वह शिकारी सोचने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा शुरू की। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तब सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि सभी पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो, ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस, इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों है? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, क्या आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सावंत के घर पहुंचे। सावंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख
घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। राज्य वैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचा जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा के कहे अनुसार मैं कटार से आपके हृदय को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपने तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले, किंतु मुझे जाने दे, यह बात किसी और को पता ना चले। मैं आपसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी यह बात समझ चुके थे, वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राज वैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा ना छीने। सामंत खुद को फंसता हुआ देख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, तभी तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि प्रधानमंत्री, मैं आपके इस योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूँगा? आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण न लें। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा गठने लगा, आवाज आई, अभी अभी अपने पीछे गए तुम अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की साख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल पहुंच गए। अगले ही दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता था। सबको राज्य वैद्य की तलाश थी, उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में ना आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपने चिर परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा कि कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लग रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चलने लगा, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है।
राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तुम बताइए दोस्तों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी ये तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असहाय हो जाता है उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहाँ सिर्फ मानव का रक्त बहता है। बर्बरता उसी भी कही जाती है जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये खास वीडियो पसंद आई होगी जिसमें आप ये जान गए होंगे कि मांसाहारी भोजन पाप है या फिर पुण्य।